कक्षा फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में हम करेंगे आज आर के मीनिंग। क्या करेंगे? आर के मीनिंग। इंग्लिश में क्या करेंगे? हम आर के मीनिंग करेंगे। हम क्यू तक, क्यू वर्ड तक मीनिंग कर चुके हैं, आर हम आज हम आर के मीनिंग करेंगे। सबसे पहले है आर का आर ए टी रेड। आर ए टी रेड, रेड का मतलब क्या होता है? चूहा। आर ए टी रेड, रेड का मतलब क्या होता है? चूहा। आर ए टी रेड, रेड का मतलब क्या होता है? चूहा। आर ए टी रेड, रेड का मतलब क्या होता है? चूहा। उसके बाद में है रोज, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई रोज। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब, आर ओ एस ई रोज, आर ओ एस ई रोज। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब। उसके बाद है आर आई एन जी रिंग, आर आई एन जी रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है? अंगूठी, आर आई एन जी रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है? अंगूठी। उसके बाद नंबर चार पे है, नंबर तीन पे कर लिया रिंग, आर आई एन जी रिंग, रिंग यानी अंगूठी। नंबर चार पे है रेनबो, आर ए आई एन, आर ए आई एन बी ओ डब्लू, आर ए आई एन बी ओ डब्लू रेनबो यानी इंद्रधनुष। रेनबो, रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। क्या होता है? इंद्रधनुष। रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। रेनबो का मतलब क्या होता है? रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। तो ये तो हो गए आर के मीनिंग, ठीक है। अब हम गणित में करेंगे। गणित में हम कर रहे हैं घटाव। क्या कर रहे हैं? घटाव। जोड़ आपको सिखा दिया था बिना हासिल के, अभी बिना हासिल के ही घटाव करना सीख रहे थे। जैसे पाँच सात आठ, माइनस तीन चार छः, इनको घटाना है। नंबर दो पे छः छः नौ, माइनस तीन पाँच छः, घटाना है। नंबर तीन पे आठ छः चार, माइनस पाँच पाँच दो, इनको घटाना है। नंबर चार पे नौ नौ आठ 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 सात। तो ध्यान से देखिएगा, दो सवाल मैं आपको यहाँ पे सी डब्ल्यू में कराऊँगा और ये दो सवाल आपको एस डब्ल्यू में रहेगा अपने आप करने के लिए। देखिए ऊपर आठ है तो पहले आठ लाइनें खींच दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। नीचे छः है तो इसमें छः लाइनें काट दो, एक दो तीन चार पाँच छः। काटने के बाद कितनी बच गई? एक दो, तो आठ में से छः कटा है तो कितना आ गया? दो। ऊपर सात है तो सात लाइन खींचो, एक दो तीन चार पाँच छः सात। नीचे कितना है? चार, तो चार काट दो, एक दो तीन चार। कितनी बच गई? एक दो तीन, तो यहाँ लिख दो तीन। ऊपर कितना है? पाँच, तो पाँच लाइन खींचो, एक दो तीन चार पाँच। नीचे कितना है? तीन, तो तीन काट दो, एक दो तीन। क्या बच गया? एक दो, तो यहाँ लिख दो दो। अब ऊपर है नौ तो नौ लाइन खींच लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। नीचे छः, छः लाइन काट दो, एक दो तीन चार पाँच छः। कितनी बच गई? एक दो तीन, तो यहाँ लिख दो तीन।
ऊपर छेद छेद यानी कि जो एक दो तीन चार पाँच छः, नीचे पाँच है तो पाँच काट दो, एक दो तीन चार पाँच, क्या बच गया एक, छः है तो एक दो तीन चार पाँच छः, तीन काट दो क्योंकि नीचे तीन है, एक दो तीन, कितने बच गए एक दो तीन, तो यहाँ लिख दो तीन। इस प्रकार से आप लाइनें खींच करके सरलता से घटाव कर सकते हो। आपका काम है कि इनको अपने कॉपी में उतारे, इंग्लिश के मीनिंग को समझें और याद करें, याद करके लिख करके देखें कि आप जो लिख रहे हैं उसके मीनिंग सारे सही है या नहीं है, मीनिंग चेक करना है। उसके बाद में आपका काम है गणित में सवाल करना। दो सवाल आपको मैं समझा के बताया किस प्रकार से लाइनें खींच करके आपको करना है, लाइनें खींच करके कैसे घटाना है, उसी प्रकार से नीचे दो एस डब्ल्यू में डाले हुए उन सवालों को भी आपको समझ के करना है। आज के लिए इतना है।